हाँ बच्चों, आज हम गणित विषय के अंतर्गत कक्षा छह में लेसन चार पढ़ने जा रहे हैं। लेसन है आधारभूत ज्यामिति आकृति, जिसमें हम आज चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे हैं कि चतुर्भुज क्या है। चार भुजाओं से बनी हुई सरल बंध आकृति हमारी चतुर्भुज कहलाती है, या हम कह सकते हैं चार भुजाओं वाला बहुभुज एक चतुर्भुज कहलाता है, जिसकी चार भुजाएं और चार कोण और होते हैं। तो आप देखिए चतुर्भुज क्या, इसको हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं, माने ए बी सी डी, ये हमारा एक चतुर्भुज है। हम इसकी परिभाषा ये कर सकते हैं कि चार भुजाओं से बनी सरल बंध आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं, या हम इस तरह से भी कहते हैं कि चार संरेख बिंदुओं को आपस में मिलाने पर जो आकृति बनती है उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चार कोण होते हैं चतुर्भुज में, और चार भुजाएं होती हैं और चार शीर्ष होते हैं। ये हमारे शीर्ष हैं, ये हमारे कोण हैं और ये भुजाएं। तो इस तरह से आप चतुर्भुज को समझ सकते हैं। तो देखिए, हम यदि इसको परिभाषित करना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं। चार असंरेख बिंदुओं को आपस में मिलाने पर चतुर्भुज बनता है। चतुर्भुज में चार भुजाएं, चार कोण और चार शीर्ष होते हैं। माने चार भुजाओं वाली बहुभुज को हम चतुर्भुज कहते हैं। और इसमें आपको ये देखना है कि सम्मुख भुजाएं और आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं क्या हैं? आसन्न भुजाएं माने एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड माने एडजेसेंट साइड हमारी जो एक ही आसन पर हो। मान लो जैसे हम एक लेते हैं ए से,
तो एस कौन कौन भुजाएं हैं, ए बी और ए बी, तो एडजेसेंट साइड मान लो ए बी और ए बी। इसी तरह अगर हम बी से लें तो बी सी और डी। इस तरह से अगर हम देखें कि एक चतुर्भुज में चार आसन्न भुजाओं के युग्म होते हैं और अपोजिट साइड माने सम्मुख भुजाएं माने अपोजिट साइड माने सम्मुख माने आमने सामने, जैसे ए बी और इसके सामने सी बी और दूसरा आपका हमने ए बी और बी सी, ये हमारी अपोजिट साइड है ए बी और सी बी माने ए बी और सी बी, ये समूह भुजाएं कहलाती हैं। पहला युग्म ये हुआ और दूसरा युग्म ए डी और बी सी। इस तरह से हमारे समूह भुजाओं को दो युग्म होते हैं। इसी तरह समूह कोण अपोजिट एंगल्स ये आमने सामने के माने कोण ए और कोण सी, कोण बी और कोण सी, ये हमारे सम्मुख कोण हैं। इसी तरह से आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल्स माने एक उभयनिष्ठ भुजा पर, जैसे ये एक भुजा है इस पर बने दो कोण माने कोण ए और कोण बी, कोण बी, कोण बी और कोण ए, ए और बी हो गया बी और सी। इस तरह से जो एक ही भुजा पर बने माने एक उसमें भुजा होती है और उसके दोनों साइड जो कोण बनते हैं वे हमारे आसन्न कोण कहलाते हैं, माने एक ही भुजा पर वे हैं। तो इस तरह से आप चतुर्भुज के बारे में समझे और ये देखा कि चतुर्भुज में चार भुजाएं, चार कोण और चार शीर्ष होते हैं और इसमें आसन्न भुजाएं क्या कौन सी होती हैं, आसन्न कोण कौन से होते हैं, सम्मुख भुजाएं कौन क्या हैं और सम्मुख कोण क्या है, आप इसके बारे में देखो। यहीं पे हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए
चतुर्भुज है। अब हम इसके आगे चलते हैं। सर्दी 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 क्या है? एक सरल बंद वक्र, ये सरल बंद वक्र है ना कि बहुभुज, क्योंकि वक्र जो है त्रिकोणमितीय रेखाओं से बनता है और बहुभुज जो बनता है वे सिर्फ रेखाओं से बनता है। तो आपको ये देखना है कि हम वृत्त कैसे बनाते हैं, जैसे चूड़ी हुई या ट्यूब हुआ, इस तरह से हम वृत्त की रचना करते हैं। या दूसरा हम देख सकते हैं कि प्रकार की सहायता से वृत्त का निर्माण कैसे करते हैं। तो देखिए प्रकार के नुकीले सिरे, प्रकार के नुकीले सिरे स्थिर करके पेंसिल वाले सिरे को नुकीले सिरे के चारों ओर घुमाने पर जो आकृति बनती है उसे वृत्त करते हैं। कहने का तात्पर्य हमारी ये है कि प्रकार के नुकीले सिरे को स्थिर किया। आप प्रकार जानते हैं, प्रकार में एक सिरा नुकीला होता है, दूसरे सिरे पर हम पेंसिल को फंसाते हैं। तो नुकीले सिरे को हमने स्थिर कर दिया और पेंसिल वाले सिरे को फैलाते हैं और फैला करके हम नुकीले सिरे के चारों ओर पेंसिल वाले सिरे को ऐसे घुमाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो रचना प्राप्त होती है उसे हम वृत्त कहते हैं। ये हमारा इस तरह से वृत्त बन जाता है। ये वृत्त है। अब आता है वृत्त का केंद्र। वृत्त से संबंधित परिभाषाएं हैं। तो सबसे पहले वृत्त का केंद्र, तो वृत्त की रचना के लिए वृत्त की रचना के लिए
नुकीले सिरे को तो जिस बिंदु पर स्थिर करते हैं उसे वृत्त का किंवदन्ति तो देखिए जब हमने वृत्त का निर्माण किया तो प्रकार के नुकीले सिरे को उस बिंदु पर स्थिर किया था तो ये हमारा केंद्र हो गया वृत्त का केंद्र। अब इसके बाद आता है दूसरा त्रिज्या या इसी को हम कहते हैं रेडियस। रेडियस क्या है तो आप देखिए वृत्त के केंद्र से वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। माने वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। आप समझ सकते हैं ये हमारा जैसे वृत्त है ये केंद्र है और ये परिधि है तो इसको जो हमने मिलाया ये हमारा त्रिज्या और हम लिख सकते हैं कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है माने त्रिज्या बराबर व्यास बटा दो ये सूत्र है कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है त्रिज्या बराबर व्यास बटा तो अब आता है व्यास डायमीटर व्यास क्या है वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है और उसके दोनों सिरे मध्य पर
होते हैं व्यास का डब्बा। तो देखिए मान लीजिए ये है एक ए पी और एक पी, तो यहाँ पर जो ये पी क्यू है वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है, तो यहाँ पर ये हमारा व्यास होगा और इसके दोनों सिरे वृत्त पर, एक ये सिरा क्यू ये भी वृत्त पर है और ये पी ये भी वृत्त पर, और हम देख सकते हैं कि व्यास त्रिज्या का गुणा होता है, कहने का मतलब व्यास बराबर दो गुणे त्रिज्या, ये हमारा व्यास। अब हम आगे देखते हैं आता हमारा जीव, जीवा जीवा, जीवा और व्यास में ये अंतर है कि व्यास जो है वह हमारा वृत्त के केंद्र से होकर जाता है और जीवा जो है वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाता। हम जीवा को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, वह रेखा खंड जो रक्त के केंद्र से होकर नहीं जाती, और उसके दोनों सिरे वृत्त पर होते हैं। देखिए जीवा दोनों प्रकार से हो सकती है, वृत्त के केंद्र से होकर भी जा सकती है और नहीं भी जा सकती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो व्यास है, व्यास वृत्त के सबसे बड़ी जीवा होती है, हमारा व्रत है ये केंद्र है, मान लो यहाँ से जा रही है ए बी और यहाँ जा रही है ए सी, तो ये दोनों हमारी जीवा है
और जो इसका व्यास होता है वे वृत्त की सबसे बड़ी दुर्गा कहलाती है। अब इसके बाद आता है चाप। चाप वृत्त का कोई चाप कहता है। मान लीजिए जैसे ये हमारा है चाप है, चाप दो प्रकार करते हैं। मान लीजिए हमारा ये वृत्त है, ऐसे हमने इसे दो भागों में बांटा है, ऐसे यहां से कट कर दिया, ये हमारा एक चाप है जिसे हम लघु चाप कहेंगे, और ये जो बड़ा वाला है ये हमारा दीर्घ चाप कहलाता है। अब जो वृत्त है मान लीजिए हमारा वृत्त है, ये जो भाग है ये हमारा वृत्त का अभ्यांतर, अभ्यांतर भाग कहलाएगा। ये जो है ये हमारे वृत्त की सीमा को हम कह सकते हैं परि, और ये जो बाहर है ये हमारा वृत्त का बाह्य भाग या बहिर्गमन भाग कह सकते हैं। अब बात आती परिधि क्या है, circumferences, circumferences माने कहने वाला वृत्त के अंदर अनुदिश चली गई दूरी परिधि कहलाती है। हम दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि वृत्त का एक पूरा चक्कर लगाने में, वृत्त का एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी वृत्त की परिधि कहलाती है। जब वृत्त के चारों ओर जब हम दौड़ते हैं तो जब एक पूरा चक्कर हो जाता है तो उसे हम वृत्त की परिधि कहते हैं।
अब आता है अंग्रेजी परिभाषा है त्रिज्या खंड। या इसको हम कहते हैं सेक्टर, ये क्या दो त्रिज्याओं और संगत चाप से हमें दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहते हैं। देखते हैं कैसे, मान लीजिए वृत्त है लेकिन तो एक मान लीजिए त्रिज्या है और एक त्रिज्या ये, तो इस ये इसके संगत चाप है इन त्रिज्याओं के लिए, तो जो हमारा ये एरिया है उतना माने ये एरिया एसीबी ये हमारा त्रिज्याखंड है। इसके बाद आता है वृत्तखंड, वृत्तखंड या अविधा, इसको हम कहते हैं सेगमेंट ऑफ आवर सेल्फ, सेगमेंट ऑफ आवर सेल्फ। Segment of our circle. Segment of our circle क्या है? तो हम देखते हैं एक वृत्त की एक जीवा और संगत का, हम वृत्त की एक जीवा और उसके संगत्या से गिरे क्षेत्र को वृत्त खंड कहते हैं। यहीं पे हम देख सकते हैं ये एक हमारी मान लो जीवा है, तो इससे जो ये हमारा क्षेत्र बना जीवा और इस चाप के द्वारा, तो ये हमारा वृत्तखंड है। तो इस तरह से इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं थी। एक हमारा और थोड़ा सा अगर हम देख लें कि अर्धवृत्त क्या है,
अर्धव्रत माने व्रत के आधे भाग को आपको अर्धव्रत व्रत के आगे भाग को हम अर्धव्रत माने ये भी ले लिया है ये हमारा अर्धव्रत कहलाता है माने व्रत के आधे भाग को हम अर्धव्रत कहते हैं। अब इससे संबंधित हमारी प्रश्नावलियां हैं तो आपको घर में इन सब को लर्न करना है और इसका रिवीजन करना है। साथ ही आपको प्रश्नावली 4.1 से 4.6 से 4.6 तक देखना है। जो आपको समझ में ना आए उसे आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आज हम यही तक पढ़ाएंगे। शेष अगले चरण में।